बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज हम चावज़रा पढ़ेंगे, द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर कीपिंग द प्रेशर कॉन्स्टेंट। चावज़ ने रिलेशनशिप ताल्लुक बिटवीन वॉल्यूम हुजम एंड टेम्परेचर और दर्जा हरारत के दरमियान स्टडी किया, कीपिंग द प्रेशर कॉन्स्टेंट, जबकि उसने प्रेशर को मुस्तकिल या कॉन्स्टेंट रखा। चार्ल्स जे चार्ल्स वाज अ फ्रेंच साइंटिस्ट। जे चार्ल्स जो है वो एक फ्रांसीसी साइंसदान था। ही स्टेट्स द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर इफ द प्रेशर इज केप्ट कॉन्स्टेंट। गैस का हुजम दर्जा हरारत के बराह रास्त मुतनासिब होता है अगर दबाव मुस्तकिल हो, यानी आपने टेम्परेचर ज़्यादा किया तो वॉल्यूम भी ज़्यादा हो गया। इसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तब कहते हैं इफ़ वन गोज़ अप द अदर गोज़ अप। अगर एक चीज़ ज़्यादा हो रही है तो दूसरी भी ज़्यादा हो रही है। जैसे दर्जा हरारत ज़्यादा हो तो हुजम भी ज़्यादा होगा, दर्जा हरारत कम हो तो हुजम भी कम होगा। इसको हम लीनियर ग्राफ की शक्ल में हमारे पास वैल्यू आएंगी। एक तरफ हमारे पास वॉल्यूम है, एक तरफ टेम्परेचर है, हम दोनों एक चीज़ को ज़्यादा करते हैं तो दूसरी भी ज़्यादा हो जाती है, जबकि प्रेशर कॉन्स्टेंट है। इसको अगर हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है बीच में, तो वॉल्यूम इज़ इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टेम्परेचर। और हम इससे ये क्वेश्चन डिराइव कर सकते हैं कि V इज इक्वल टू के टी और V ओवर टी इज इक्वल टू K, जबकि K जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट है। जब भी हम चार्ल्स लॉ के मुताबिक टेम्परेचर मेजर करेंगे तो हमें हमेशा केल्विन में करना चाहिए, और आपको पता है कि केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 आप ऐड करते हैं उसमें। तो प्यारे बच्चों, जब हम फिज़िक्स केमिस्ट्री और मुश्किल सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं तो दिल का सुकून जो है वो तो अल्लाह की याद में है, क्योंकि अल्लाह ने खुद कहा कि याद रखो अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को तसल्ली होती है। आप मेहनत ज़रूर करें जी भर कर, लेकिन अपने पढ़ाई के दौरान अपनी नमाजों को ना भूलें, कुरान मजीद से ताल्लुक़ को ना छोड़ें। रोज़ अपने ऊपर लाजिम कर लें कि कम अज़ कम कुरान की 3 आयात आपने तर्जमे के साथ पढ़नी है, ताकि आपको पता चले कि आपका रब जो है वो कैसा है, वो आपसे क्या चाहता है। सीधे रास्ते पे रहें, सच बोलें, गुस्सा ना करें, अपने दिल को गीबत से, जलन से और हसद से महफूज रखें, और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको बेहतरीन इलम से नवाजे जो नफ़ा देने वाला हो। तो हम अपनी वर्ड प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। हमने जो चार्ल्स इक्वेशन ड्राइव किया है उसको अप्लाई करते हुए हम प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास ये वर्ड प्रॉब्लम है, इसमें जो डेटा दिया गया है वो है V1 इज़ 250 क्यूबिक सेंटीमीटर, T1 जो है वो -30 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसको हम केल्विन में चेंज करेंगे तो हमारे पास 243 के आ जाएगा। V2 हमारे पास 700 क्यूबिक सेंटीमीटर है और T2 हमने फाइंड आउट करना है। तो हम V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2 इक्वेशन लिखी, उसके मुताबिक हमने वैल्यूज़ प्लेस की, तो इनको सिंप्लीफाई करके हमारे पास जो T2 है वो है 680.4 के। तो आप कॉपी पेंसिल लें, वैल्यूज़ लिखें, इक्वेशन लिखें और खुद से इसको सॉल्व करें साथ साथ। सेकंड प्रॉब्लम है हमारे पास हाइड्रोजन गैस का V1 160 क्यूबिक सेंटीमीटर है, T1 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, T2 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और हमने V2 फाइंड आउट करना है। हम इसमें टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन स्केल के ऊपर कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हम चार्ल्स इक्वेशन अप्लाई करेंगे, और हमारे पास जो सिंप्लीफाई करके हमारे पास जो वैल्यू आई है V2 की वो है 196.9 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इस इक्वेशन प्रॉब्लम को भी आप खुद कॉपी पेंसिल लें, वैल्यूज प्लेस करें और खुद से सॉल्व करें। अब हम जो बॉडी टेम्परेचर जो है वो फारेनहाइट स्केल से मापा जाता है, और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 98.6 फारेनहाइट होता है। अगर इससे ज़्यादा हो, आपका कभी गला ख़राब हो, तो हम कहते हैं टेम्परेचर ज़्यादा हो गया या बुखार हो गया,
आमतौर पे पहले कभी मुंह में डाल के थर्मामीटर चेक किया जाता था टेम्परेचर, लेकिन आजकल बच्चों के लिए आर्मपिट या बगल के अंदर रखने वाला थर्मामीटर है, और बहुत छोटे बच्चों को या बड़ों को भी माथे के ऊपर लगाकर भी टेम्परेचर फाइंड आउट किया जा सकता है। कोशिश करनी चाहिए कि मुंह में ना डालें, एक तो जरासीम ट्रांसफ़र होते हैं, दूसरा ये है कि जो अगर 104 या उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो तो उससे जो है वो फिट्स पड़ने का ख़तरा होता है, ख़ास तौर पे बच्चों के, बच्चे नीले हो जाते हैं बुखार की वजह से, उनकी आंखें मुड़ जाती हैं, बेहोशी तारी हो जाती है और झटके लगते हैं। तो सबसे आसान तरीका यह है कि बुखार में कोल्ड स्पॉन्जिंग या पट्टियाँ की जाएँ, या एक बाल्टी में पानी डालें, उसमें बच्चे को खड़ा कर दें, सर्दी हो या गर्मी हो आप टैप वाटर, नलके का वाटर पानी भी ले सकते हैं। तो इससे ये होता है कि हाई टेम्परेचर से हीट ट्रांसफ़र होती है पानी में और बहुत जल्दी बुखार उतर जाता है, और जब दर्जा हरारत 100 फारेनहाइट तक आ जाए तो फिर दवा दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई दर्जा हरारत पे दवा भी असर नहीं करती। तो ये एक बहुत आसान तरीका है बुखार को कम करने का। उम्मीद है आपको सबक पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।